खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। ताजा मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश का है। ऋषिकेश के कृष्णानगर कॉलोनी से लापता हुए अरुण का शव गंगा किनारे से बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद की जाएगी। कृष्णानगर कॉलोनी IDPL से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए अरुण का शव गंगा किनारे से पुलिस ने बरामद कर लिया है। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। पुलिस का दावा है कि प्रथम दृष्टया अरुण की मौत गंगा में डूबने से हुई है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बेटे का शव मिलने की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उनका रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 2013 केदारनाथ आपदा के दौरान से ही मृतक का बड़ा भाई भी लापता है। मेरा नाम है सुनीता रानी और मेरे लड़के की बॉडी मिल चुकी है। और जी वहाँ मिली है मंदिर जो है गोरीघाट से 5 किलोमीटर आगे। जी मैं अपने लड़के को इंसाफ मांगती हूँ अपने लड़के का, और जो है डेड बॉडी मांगती हूँ। ये दिनांक 23/4/20 को इसके परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी कि ये जो है घर से बिना बताए गायब हो गया। इस संबंध में हमारे चौकी थाने पर जो है इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। कल दिनांक को एक सूचना मिली चौकी चीला द्वारा कि एक बॉडी जो है गंगा नदी में है। इस सूचना पर जब हम वहाँ पहुँचे चौकी इंचार्ज सहित, तो एक बॉडी जो है नदी किनारे मिली। इसके परिजनों द्वारा इसकी पहचान की गई कि ये हमारा पुत्र अरुण ही है। उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे पोस्टमार्टम में आएगा जांच की जाएगी।